भारत ने पाकिस्तान में ब्रिटेन की उच्चायुक्त जेन मैरियट के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के दौरे का विरोध किया है। 10 जनवरी को जेन मैरियट ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का दौरा किया था और इसका विरोध किया है भारत ने। इंडिया की तरफ से शदीद एहतजाज किया गया है। पाकिस्तान में यूकेज इनवॉय ने दौरा किया, विजिट किया है कश्मीर का, जिसके ऊपर इंडिया की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है। इट्स अ बिग डिप्लोमेटिक फोपा। द ब्रिटिश हाई कमिश्नर हु मेड दिस विजिट टू मीरपुर इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड व्हाट्स पाकिस्तान को डर है कि कहीं इंडिया पीओके ना ले ले। जो यूके के इनवॉय हैं पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान के कश्मीर में जाकर ये एक ऐसा काम किया है कि जिस पे इंडिया को सख्त एतराज है और इंडिया ने इसको अनएक्सेप्टेबल मूव कहा है कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ये प्रोटेस्ट ना सिर्फ रिकॉर्ड करवाया गया है, रजिस्टर करवाया गया है, बल्कि इसके अलावा उन्होंने वहां पर यूके इनवॉय को समन भी किया है। उन्होंने प्रूव किया, लेकिन हाँ ये मैं बताना चाहूं, उन्होंने प्रूव किया है तालीम के साथ, बिल्कुल उन्होंने शौर के साथ अपने आप को प्रूव कराया दुनिया में। वहां पर क्यों गए, क्या करने गए, बहन की लैंड गए हो तुसी उथे, आपका जाना बनता नहीं है, ये कहा गया था। पीओके ले सकता है, ये डर अच्छा है। कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, अंदर तक घुसा हुआ है डर। आप मार मार के वो सड़कें बनाने आते हैं, आप उनको अगवा कर लेते हैं, पैसे मांगते हैं उनसे ताइवान, वो तो परेशान है आपसे। और दूसरा ये है कि आरजू हकीकत ये है, चाबहार देखें इस वक्त भारत जो है वो अमेरिका की टक्कर का कंट्री बन रहा है, जिसलिए अब ये एक्सक्यूज करना कि नहीं जी ये तो चूंकि हमारे खिलाफ सिर्फ साजिश कर सकते हैं या हमें निकलने के अलावा कुछ और सोचते ही नहीं है, तो फिर ये सवाल आप इनसे पूछें कि सऊदी अरब को क्यों नहीं निकलना चाहते, जिसके निकलने से उनके पेट में कुछ जाएगा भी, कोई उसके साथ कोई सोना चांदी कोई तेल कोई दौलत कोई चीज जो है वो है, तो आपको निकलने के लिए क्या जो है उसमें है। तो मैं समझता हूँ, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के कई हिस्सों में आज मकर संक्रांति, लोहड़ी और भी कई त्यौहार मनाए जा रहे हैं, तो भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपका परिवार भी हमेशा खुश रहे, मस्त रहे। अच्छा दोस्तों, यूके के एक ऑफिसर ने विजिट किया है पाकिस्तान की तरफ से इलीगल ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, और जब ये बात भारत को पता चली तो भारत ने तुरंत यूके के एनवॉय को समन किया, उनको बुलाया और उनको कहा कि भाई ये क्या सीन है कि यूके तो ऐसे डायरेक्टली पाकिस्तान के इलीगल कब्जे को समर्थन कर रहा है, क्योंकि यूके के ऑफिशियल्स वहां पे जा रहे हैं विजिट करने पाकिस्तानी डेलीगेट्स के साथ, ये तो बहुत गलत बात है। और अगर यूके को समर्थन करना ही है पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन के, तो खुलेआम भारत के सामने आ जाए। एक तो पहले कहता है कि हम भारत के साथ हैं और ये पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, जब अवैध कब्जा है तो फिर वहां पे अपने डेलीगेट्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को क्यों भेज रहे हो पाकिस्तान की तरफ से। ये दो चेहरा, ये दोगला चरित्र दिखा रहा है यूके, जहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। तो भारत ने समन कर दिया यूके को, अब यूके की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन दोस्तों भारत के विदेश नीति में जो ये चेंज है, ये अगर कोई ला सकता था तो हमारे जयशंकर साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ला सकते थे। दोस्तों इससे पहले हम कभी किसी के यूके जैसे देश के एनवॉय वगैरह को समन करते थे इन सब चीजों के लिए, कभी नहीं। इंडिया लॉजेस स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट ओवर यूके इनवॉयज विजिट टू पाकिस्तान कश्मीर। अच्छा अब इसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिस तरह की वो इसको लेते हैं, कि जो यूके के इनवॉय हैं पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान के कश्मीर में जाकर ये एक ऐसा काम किया है कि जिस पे इंडिया को सख्त एतराज है और इंडिया ने इसको अनएक्सेप्टेबल मूव कहा है कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल। यानी इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से ये प्रोटेस्ट ना सिर्फ रिकॉर्ड करवाया गया है, रजिस्टर करवाया गया है, बल्कि इसके अलावा उन्होंने वहां पर यूके इनवॉय को समन भी किया है। तो हुआ कुछ यूं है कि सैटरडे को जनवरी 13 को इंडिया समन दी यूके हाई कमिश्नर टू इंडिया, और अलेक्जेंडर एलिस को जो है उन्होंने बुलाया, समन किया और प्रोटेस्ट किया कि जो विजिट है ये यूके इज पाकिस्तान इनवाइट टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिस तरह की। लेकिन ये फिर उनकी मर्जी है, पहले भी इसी तरह की हरकतें वो करते हैं, तभी वो सपोर्ट नहीं है लोगों उनके साथ। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो भारत की सबसे बड़ी लक ये है कि एक पार्टी के पास एक क्लियर मेजोरिटी है और वो चीजें डिलीवर कर पा रहे हैं। जहां भी कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं, जिस तरह पहले कांग्रेस की गवर्नमेंटें आती रही हैं जाती रही हैं, कोलिजन गवर्नमेंट होती रही हैं, वो कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाते थे, जिस तरह आजकल अमेरिका के अंदर है कि कांग्रेस जो है उसमें रिपब्लिकन है, सेनेट के अंदर डेमोक्रेट है, वो कुछ भी डिलीवर कर नहीं पा रहे। ये बदनसीबी होती है कौमों की और फ्लेवर होती है जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की। लेकिन इस वक्त मैं जो भारत की तरक्की के सीक्रेट में ये भी है कि बीजेपी इज स्ट्रॉन्ग और बीजेपी हैज अ वास्ट मेजॉरिटी इन इट, सो दे कैन डिलीवर थिंग्स। लेकिन सर कई लोगों का इंडिया से ये भी कहना है भारत से कि वो अगर पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है भारत की गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ।
नहीं, पाकिस्तान के साथ देखें इलेक्शन के बाद, मेरे ख्याल में जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि तकरीबन एक साल लगेगा, एक साल के बाद दोनों कंट्रीज जो हैं वो किसी ना किसी पॉइंट पर डायलॉग शुरू करेंगे। मैं दिस इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशंस आर, दिस इज व्हाट माय इस तरह मैं, खैर एक तो मैं देखें वो कहते हैं जो आप सोचना चाहते हैं आपकी सोचें भी उसी तरफ जाती है, मेरी तो यही ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो, ट्रेड करें, क्योंकि इस वक्त तरक्की सिर्फ ट्रेड के साथ ही हो सकती है। और मैं जहां तक जो माइंड सेट है नवाज शरीफ साहब का और जो माइंड सेट है आसिम मुनीर साहब का, उसमें से मुझे नजर आता है कि दे आर इंटरेस्टेड इन। और दूसरी साइड पे थोड़ा इनको स्टेप अप होना पड़ेगा, दूसरी साइड पे एतमाद जो है वो कम है, इनको स्टेप्स लेने होंगे, सॉलिड स्टेप्स लेने होंगे इस तरफ कि उनको सेटिस्फाई किया जा सके। और दूसरी तरफ मैंने देखा है कि एक ग्रुप है, एक तबका है वहां पावर में जो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप जो है किसी न किसी तरीके से वो अच्छे बेहतर किए जाए। क्या करने गए बहन की लैंड गए तुसी उथे, आपका जाना बनता नहीं है ये कहा गया था। अब ये जो प्रोटेस्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया ने ये प्रोटेस्ट जो है ये आफ्टर थ्री डेज आफ्टर यूके हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान जेन मैरियट जो है उन्होंने जब मीरपुर का विजिट किया जनवरी 10 को, तो उसके बाद ये अब रजिस्टर करवाया गया और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके उसको समन भी किया गया। अब इसमें जो इंडिया ने एक सीरियस नोट ले लिया है इसके ऊपर और बहुत इसको कहा है कि हाईली ऑब्जेक्शनेबल विजिट है ब्रिटिश हाई कमिश्नर का इस्लामाबाद में जो उन्होंने वहां पर पहुंची कश्मीर, तो उनका ये कहना क्या पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरफ से इसका कोई जवाब आएगा, पाकिस्तान की तरफ से इसका क्या डिप्लोमेटिक वे में जवाब दिया जाएगा, क्या कहा जाएगा, कौन कहेगा, क्या फॉरेन ऑफिस की तरफ से जवाब देंगे, ये तो हमें जब होगा तो हम आपके सामने जरूर रखेंगे। लेकिन इसमें मैं अब आपको ये बताती हूँ कि जो वहां पर वो पहुंची है जेन मैरियट, उन्होंने कहा क्या है। जेन मैरियट जो है उन्होंने वहां पर वो पहुंची मीरपुर और उसके बाद वहां की पिक्चर्स उन्होंने अपने सोशल मीडिया और ट्विटर पर जनवरी 10 को पोस्ट की और उसमें उनका कहना था कि सलाम फ्रॉम मीरपुर द हार्ट ऑफ द यूके एंड पाकिस्तान पीपल टू पीपल टाइज 70% ऑफ ब्रिटिश पाकिस्तानी रूट्स आर फ्रॉम मीरपुर मेकिंग आवर वर्क टुगेदर क्रूशल फॉर डायस्पोरा इंटरेस्ट थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। और फिर उसके बाद उनकी जो तस्वीरें थी वो वहां की कुछ अथॉरिटीज के साथ, उसके बाद स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, खवातीन के साथ जो है ये तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की हैं। इसके बाद जो है फिर वो इंडिया की तरफ से ये एतराज उठाया गया है और बहुत सख्त एक्सेप्टेबल कहा गया है। आपको ये भी बताते चले कि ये फर्स्ट वुमेन हैं जो कि अब हाई कमिश्नर है पाकिस्तान में, तो इसलिए ये अक्सर हमें इस तरह की पिक्चर्स पोस्ट करती हुई नजर आती हैं। डोनाल्ड ब्रूम का जो दौरा था वो मुझे ऐसा नहीं नजर आया कि उन्होंने इस वजह से किया हो, लेकिन उन्होंने विजिट किया तो इंडिया की तरफ से बड़ा सख्त जो है इसके ऊपर एतराज उठाया गया था। अब ये जो जेन मैरियट है वो भी कुछ इसी तरह से पिक्चर्स में पोस्ट कर रही है जिसमें बताती हैं कि ये देखिए जी वो इस वक्त यहाँ पर है, यहाँ पर है, वहां के बच्चों से मिली है। जैसे उन्होंने कहा कि जो मीरपुर का ज्यादा, ये बात सही है कि यूके में जितने पाकिस्तानी है उसमें आप समझ ले कि 70% जड़े है मीरपुर ये है, बल्कि वहां पे तो पाकिस्तानियों को कहते हैं मीरपुरिया, यूके में मीरपुरी है। मुझे भी काफी अरसे के पहले ये पता चला तो मैं बड़ी हैरान हुई कि अच्छा मीरपुरी ही सारे यूके में भरे हुए, तो ये समस्या ना आने वाली बात है कि एक ही जगह के सारे लोग, तो कहते हैं कि वो जब एक जाता है तो फिर वो सारे जो खानदान है उनको बुला लेते हैं, लेकिन फिर भी। लेकिन जो जेन मैरिट ने ये जो बात कही है कि जो 70% डायस्पोरा वो सही बात कही है। अच्छा अब मैं आपको इस पे बताती हूँ कि और क्या हो रहा है इसमें। जो इंडिया है उसने ये कहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल इसलिए है क्योंकि द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर हैव बीन एंड शैल ऑलवेज रिमेन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। उनका पैन ये तो इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, तो ये कैसे हो सकता है कि आप वहां पर उस जगह पर जाएं जो इंडिया का इशू है, जो उन्होंने डिस्प्यूट ये उठाया है, ये जो इशू क्रिएट हुआ है। तो दोस्तों जैसे ही भारत सरकार को पता चला कि यूके के ऑफिशियल्स या यूके सरकार के ऑफिशियल्स जम्मू कश्मीर में गए हैं और ऐसे इलाके में गए जिसे पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, तो तुरंत एमईए यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भारत में यूके के एनवॉय को समन किया, उनको अपने पास बुलाया और अच्छे से सुनाया कि भाई हमें इस पे कड़ा अनुरोध है कि यूके का कोई ऑफिसर कैसे वहां गया और अगर गया तो हमें जवाब चाहिए क्यों गया, क्या वो भारत का समर्थन नहीं करते, क्या वो पीओके को भारत का हिस्सा नहीं मानते, इस पे हमें जवाब चाहिए। खुले आम धमकी देते हुए भारत के एमईए ने कहा है, ठीक है। भारत के एमईए ये भी शायद कहा हो कई न्यूज में बता रहे कि अगर यूके के किसी हिस्से को कोई इलीगल ऑक्यूपाई कर ले और भारत के कोई ऑफिसर वहां पे जाके घूमे टहले तो यूके को कैसा लगेगा, ठीक है, ये भी एक बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन है। तो भाई यूके का ये दोगला चरित्र, या तो आना है भारत के सामने तो खुले आम आ जाओ पाकिस्तान के समर्थन में,
ये क्या मतलब है, पूरा 365 में से 365 दिन कहते हो भारत के साथ है और विजिट कर रहे हो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, ये क्या मतलब है? तो दोस्तों बहुत अच्छे से सुना दिया और दुनिया दोस्तों शॉक्ड हो गई, क्योंकि अब तो कोई पीओके में जाने से वैसे डरता है कोई किसी विदेश का आदमी, क्योंकि भारत कड़ा आपत्ति ज्यादा, और अब ये गलती कर दी है यूके वालों ने, और भारत ने जिस तरीके से रेजिस्ट दिखाया है वो पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई कि भारत का ये अंदाज तो कभी नहीं देखा गया था। यूके यूएस ये जैसे जो अपने आप को बहुत बड़ा देश समझते हैं, अमीर देश समझते हैं, वो जाते रहते थे, लेकिन भारत पहले इस अंदाज में नहीं सुना पाता था, लेकिन अब जो भारत ने सुनाया है इससे पूरी दुनिया की आंखें खुल गई कि भाई अब पीओके हर मतलब भारत के नजर में है, भारत के टारगेट में, और पीओके पे ही भारत का अधिकार है और पीओके को भारत लेके रहेगा। अब ये पूरी दुनिया को समझना पड़ेगा, जो मानते हैं और जो नहीं मानते उन सबको भारत सरकार मनवाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।